दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स में। दोस्तों कल हम आपको बता रहे थे लॉग टेबल निकालना। कल हमने बताया था कि लॉग के साथ जो नंबर हो एक से अधिक हो उसके लिए हमने आपको बताया था कि लॉग टेबल्स कैसे मान निकालते हैं और कैसे हल करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नंबर एक से कम हो उसके लिए लॉग टेबल से मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम वही देते हैं जो नंबर हमने कल लिया था। जैसे हमें नंबर दिया हुआ है लॉग, कल हमें दिया था 1, 2, 3, 4, हम इसमें पॉइंट लगा ले रहे हैं 0.001, 2, 3, 4। दोस्तों आप देख रहे हैं नंबर हमारे वही हैं 1, 2, 3, 4, कल भी थे और आज भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कल जो पॉइंट लगा था वो यहाँ पे लगा था, यानी जो नंबर था एक से बड़ा था। आज पॉइंट यहाँ लगा है, इसके बाद दो जीरो हैं, उसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर क्या है एक से छोटा है। तो एक देखिए कोई भी नंबर होंगे दो ही तरीके के नंबर हो सकते हैं, या तो एक से बड़ा या फिर एक से छोटा। तो एक से बड़े का आपने देख लिया, एक से छोटे का क्या करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मैथ का रूल लगाएंगे। और मैथ का रूल क्या लगाएंगे, इसमें पॉइंट के पहले, इसमें जो पॉइंट हैं पॉइंट के पहले दो नंबर होने चाहिए। देखिए पॉइंट के पहले दो नंबर लाएंगे, बल्कि पॉइंट के पहले दो नंबर लाएंगे, ये पॉइंट हम यहाँ पे लाएं तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 12.34 × 10⁻⁴। पॉइंट जितने नंबर राइट साइड में जाता है 10⁻⁴ में उतने माइनस होते हैं। और यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा जो हमने कल आपको बताया था लॉग m इंटू एन। देखिए तो ये आ जाएगा लॉग 12.34 + log 10⁻⁴। दोस्तों इसमें देखिए तीसरा रूल लगेगा जो कल हमने बताया था, लॉग m की पावर n, पावर आगे आती है तो ये पावर आगे आ जाएगी, इस कल टू ये आ गया लॉग 12.34 − log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। दोस्तों लॉग में अगर 1 लिखा हो, 1 पे जितने जीरो होंगे वो उसका मान होता है। ऐसे लॉग 1 है तो उसका मान 0 होता है। 1 पे 0 रख दें 10, तो 10 का मान 1 होगा। 1 पे 2 जीरो रख दें 100, यानी लॉग 100 का मान 2 होगा। 1 पे अगर 3 जीरो रख दें 1000, तो 3 जीरो हमने रखा है तो लॉग 1000 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसमें लॉग 10 की वैल्यू 1 आएगी तो −4 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इसका मान निकालना। लॉग 12.34 राइट, इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे −4, लॉग 10 का मान 1 होता है, इंटू 1 प्लस लॉग 12 का 12.34 राइट। दोस्तों अब देखिए जैसे मैं कल निकाला था वैसे आज भी निकाल लेंगे। इसमें हम दो नंबर लेते हैं, ये दो नंबर लेंगे, वो दो नंबर हम इस लाइन में देखेंगे, 12 देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है राइट। और उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे 3 है, तो तीसरा ये वाला नंबर देखेंगे, इसके सामने का आएंगे यहाँ जो लिखा होगा। और उसके बाद नंबर 4, तो 4 ये लास्ट चौथा नंबर है, उसको यहाँ 1 से 9 के बीच में देखेंगे, चौथा नंबर ये है तो इसके सामने जाएंगे और इसका नंबर लेंगे, जो आएगा वो ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने आपको बताया था कि लॉग में जो भी वैल्यू आता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांक, और एक होता है मंतसा यानी अपूर्णांश। कोई भी लॉग की वैल्यू दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, करैक्टरिस्टिक और मंतसा यानी पूर्णांश और अपूर्णांश। तो देखिए इसमें पूर्णांश निकालेंगे, फार्मूला कल हमने बताया था करैक्टरिस्टिक इक्वल टू एन माइनस वन, पॉइंट के पहले कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं और एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा। देखिए माइनस फोर ऐसे आएगा प्लस, इसमें पॉइंट के पहले दो नंबर है तो टू माइनस वन वन आएगा, वन पॉइंट। अब हमें पॉइंट के पहले का तो हमारा करैक्टरिस्टिक हो गया, पूर्णांश हो गया, और पॉइंट के बाद हम लॉग टेबल से निकालते हैं मंतसा को, अपूर्णांश को। इसमें 12 लेंगे, ये हमने 12 लिया है, दो नंबर आगे से लेते हैं, तीसरा नंबर यहाँ ऊपर से लेते हैं 0 से 9 के बीच का। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसको नोट करते हैं, यहाँ दोस्तों अपनी बुक से देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं क्या है। हमने कल भी आपको बताया था 12 और 3 के नीचे का आएगा
0.899। तो ये वैल्यू है जो इसके सामने यहाँ पे लिखी हुई है 0.899, और इसके सामने फोर नंबर लिखा है। फोर नंबर के सामने की जो वैल्यू दी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं, इससे 12 के सामने के फोर नंबर की 14 वैल्यू है, तो प्लस इसमें क्या होगा 14 ऐड होगा लास्ट नंबर में, तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 का 3 1 10 9 1 10 और 1 11 का 1 1 आ गया 8 और 1 9, तो ये वैल्यू आ गई, पॉइंट लगा हुआ है 0913, राइट दोस्तों। और इसमें हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 1 प्लस 0.0913। ओके दोस्तों, ये प्लस 4 से 1 माइनस होगा तो यह आ जाएगा -3 प्लस 0.0913। और दोस्तों इसको जो हम लिखेंगे तो 3 के पहले माइनस लगाएं, तो 3 अगर किसी नंबर के पहले माइनस लगाओ तो वो बार हम ऊपर लगा लेते हैं, इसको लिखेंगे 3 का बार और पॉइंट इसके साथ ही लिख देंगे 0913। और दोस्तों ये वैल्यू किसकी आ गई, 0.001234, यानी वो नंबर जो एक से कम होंगे उनमें लाख टेबल से हम मान कैसे निकालेंगे, हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मंत्रसा क्या होगा, पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होगा, ये हमने आपको सामने बताया। तो दोस्तों आपको एक से बड़े के लिए कल बताया था और समझ में आपको आया होगा, और एक से छोटे के लिए हम जो लाख वैल्यू निकालते हैं वो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों दोनों समझ में आ गया होगा, अब इसका एंटी लॉक कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम को वैल्यू मालूम हो गई कि इसकी वैल्यू क्या निकली है, इसकी वैल्यू आई है 3 के ऊपर बार 0.0913, और हम क्या करेंगे इसको, इसका एंटी लॉक निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने जो इधर मान दिया था इसको हमने एक्स मान लिया, कि जो 0.001234 ये वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसको एक्स मान लें, ये पूरा मान एक्स है, तो ये हमारा मान आ गया लॉग एक्स इक्वल टू 3 बार 0.0913। देख रहे हैं दोस्तों, अब इसमें देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है इस पूरे का मान ये था, तो एक्स का मान ये मान आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x निकालना है तो इधर से लाग हटाएंगे, कल हमने बताया था एक तरफ से लाग हटाते हैं, लाग इनटू में नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं एंटी लाग, यानी लाग का जो उल्टा है, इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंटी लाग 3 बार 0.0913, ये मान आ गया। और याद करिए कल हमने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने बताया था कि हमें जब एंटी लॉग निकालना होगा तो एंटी लॉग की टेबल में हम दो नंबर लेंगे, वो पॉइंट से शुरू होते हैं, यानी जो नंबर यहाँ 10 से थे वो 10 से नहीं होंगे, आप कितने नंबर से होंगे, 0.00 से होंगे। तो देखिए ये नंबर जो शुरू होगा एंटी लॉग की टेबल, आप देखिए मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ, एंटी लॉग में 0.2 नंबर से शुरू होता है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, ये 9 है, एक नंबर इसमें और ले ले रहे हैं 0.09, राइट। और ये बीच में जो हमने मान निकाले थे इनको सबको हम डिलीट कर दे रहे हैं, अब हमें जो वैल्यू लेनी है हम उसकी बात करेंगे। देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमने अब एंटी लॉग की टेबल बना ली है, ये हमारी एंटी लॉग की टेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर समझ लीजिए, एंटी लॉग के लिए क्या करना है, पॉइंट के बाद के दो नंबर लेने, पॉइंट के बाद दो नंबर 09 है तो 09 नीचे लिखा हुआ है, और तीसरा नंबर 1 है तो ये 1 नंबर है, तो 1 के सामने 09 पे जाएंगे, 1 के सामने 1 ये है, इसमें आएंगे 09 ये नंबर आएगा, यानी यहाँ का नंबर हम नोट करेंगे, राइट। तो यहाँ का नंबर क्या है, ज़रा आप अपनी बुक में देखिए, 0.09 पे जाइए, 0.09 पे हम जाएंगे, उसके बाद 1 नंबर का हमें देखना है, 1 नंबर का है 1213। दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर कितना आ रहा है, 1213, कितना आ रहा है 1213, तो ये आ गया 12, फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ इसमें मिस्टेक है, 0.09 का जो आ रहा है 1 का 1233 आ रहा है, ये हमारा 1 नंबर हो गया, उसमें तीसरे नंबर का ऐड करेंगे, तीसरा नंबर लास्ट का 1 से 9 के बीच का लेंगे, तीसरा नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर में इसके सामने जाएंगे
तो यहाँ का जो नंबर आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये वन है, मैंने देख लिया है इसमें, इसमें जो इसके सामने का नंबर है वो वन दिया है, तो इसमें वन ये ऐड हो जाएगा, तो वन ये ऐड होगा, तो ये आ गया 4321। ये तो हमने मान निकाल लिया। और कल याद करिए, हमने जो आपका ये लिखा था करैक्टरिस्टिक, इससे हमने निकाला था कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। ये तीन के ऊपर बार है, याद रखिएगा, ये तीन के ऊपर बार है, यानी माइनस तीन है, अपूर्णांश की वैल्यू माइनस तीन है, यानी कि करैक्टरिस्टिक की वैल्यू माइनस तीन है। और कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिए, आपको हमने बताया था करैक्टरिस्टिक एस कल टू एन माइनस वन, राइट। तो करैक्टरिस्टिक आपको इसमें कितना दिया है, तीन बार का मतलब माइनस तीन, एस कल टू एन माइनस वन, एक नंबर इधर आएगा, ध्यान दीजिए, ये एक नंबर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू माइनस टू आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू जितनी माइनस में आएगी उस नंबर में उतने जीरो हम आगे लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ये नियम है। कितने आ रहे हैं, माइनस टू यानी टू नंबर आ रहा है, तो इस नंबर में क्या करेंगे, जो हमारा नंबर निकला है इसमें हम टू जीरो आगे लगाएंगे, तो टू जीरो इसमें हम आगे लगाएंगे, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, हम इसी में कर दे रहे हैं, तो इसमें टू जीरो आ जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई 0.001234। तो दोस्तों ये x की वैल्यू निकल आई, तो आपने लॉग और एंटी लॉग उस नंबर का निकाला जो एक से कम हो। दोस्तों ये तरीका है, समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा बताया हुआ, और आपको लग रहा है कि हाँ अब हम निकाल लेंगे टेबल, तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम इंटर क्लास की मैथमेटिक्स के एक बहुत ही आसान से आसान ट्रिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही आसान मेथड से बहुत कम टाइम में हल करने का तरीका आपको बताते हैं। हमने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के तीन चार वीडियो डाले हैं, और फिजिक्स तो हम डालते ही हैं, तो फिजिक्स और मैथ दोनों आपको बहुत बेहतर तरीके से हमारे चैनल पे बताया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि हम जैसे वीडियो डालें आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, आगे हम अगले दिन बताएंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।